जय माता दी, जय माता दी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। जो कुछ नहीं कर सकता, कहीं की बदवाई लगी, कहीं की कुछ होगी, लेकिन मुझे बुलाया और फॉरेन यारे कर दिए। एक को बुलाया था, लाखों को पहुंचा दिया, जितने देव स्थान हैं सबको चमका दिया, घर घर में पूजा स्थान बना दिए, हर आदमी को अच्छे संस्कार डाले, सबको इस तरफ लगा दिया। उसके बाद जितने भी मंदिर हैं उनकी रिनोवेशन हुई, नए मंदिर बने, मतलब एक जिसको कहते हैं भक्ति की एक लहर चल पड़ी। इस वक्त आप जहां भी देखो कोई यात्रा जा रही है उसमें इतना रश है, कोई जगराते हो रहे हैं, हजारों जगराते हो रहे हैं, उनमें इतना रश है कि माता रानी ने एक जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन लाना, एक इनकलाब ला दिया। और उसकी देखो बड़ाई देखो कि किया उसने सब कुछ खुद, कि मैया तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करती है तो खुद ही मेरा नाम हो रहा है, और वो सारा क्रेडिट मुझे दिला दिया। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे फिर यही अरदास करूंगा कि मुझे अपना भाई समझो, मुझे अपना सेवक समझो, मुझे अपना ताया समझ लो, चाचा समझ लो, लेकिन गुरु नहीं। क्योंकि गुरु लफ्ज जो है, भाई तो हर आदमी गुरु बनना चाहता है, लेकिन गुरु की पदवी जो है वो माता ने मुझे दिखाई है कि गुरु की पदवी क्या होती है, वहां तक अपने पहुंचते। भगवान के बाद दूसरा नंबर जो आता है, ईश्वर के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो गुरु का है। यानी गुरु इतनी महान चीज होती है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जब खुद आदमी में पूर्णता आ जाती है, पूरा उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, फिर वो जाकर मतलब भगवान से होता है। तभी किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू भाए पाए, बलिहारी गुरु अपने ईश्वर दिए देखा, गोविंद दिए देखा। तो मतलब वो स्टेज है गुरु की। बस मेरे हाथ जोड़ के सबसे एक अपील की है कि मुझे अपना सेवक समझो, अपना भाई समझो, कुछ और समझो। क्या पॉइंट मेरा हो गया, शायद कोई भूल भी गई, बात मुझे तकरीर करनी नहीं आती। दूसरा पॉइंट ये है कि माता ने जब ये शुरू किया सब मेरे हाथ से, तो दो चीजें इसने बड़ी दी। एक चीज दी जनता की, कि जहां भी माता का कोई फंक्शन हुआ जनता बेबहा इकट्ठी हो गई, मतलब कोई अंत नहीं रहा। तो दूसरा जो इसने दी वो दिए कि इसके नाम पर पैसा बहुत करने। आप देख रहे हैं इस वक्त जगह जगह ये जगराते हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा। तो मुझसे जिसके लिए सारा काम कराना था, मुझसे यही दो चीज़ें ले ली कि मुझे ये दो चीज़ें मुझे दे दो, बाकी सारा काम आ, बाकी माता की दया से किया हुआ मुझे सब कुछ है। सिर्फ दो चीज़ों के लिए मुझे पाबंदी कर दी है कि एक जो मैं काम तुम्हारे हाथ से कराऊंगी उसके लिए तुम अभिमान नहीं करना कि मैंने किया हुआ है, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। तो तुम पूछो, मैं सच्ची बात है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने गांव का अपने पूरे खानदान का सबसे नालायक आदमी था, लेकिन माता की ऐसी कृपा हो गई कि इसने कहीं का कहीं पहुँचा। तो इसलिए एक वो तो मैंने कोशिश की है कि कभी किसी चीज़ का दर्द अपने से न लूँ कि ये मैंने बनाया, ये मंदिर मैंने बनाया, मुचेल यात्रा मैंने चलाई, या कोई काम किया। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने एक ही लफ्ज कहा है कि ये हमने किया। हम में हम तीन शामिल होते हैं, एक माता रानी की कृपा है, दूसरा जो मेरी संस्था है, जो मेरे मतलब भगत जन जो साथ में हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और थोड़ा सा पाप मेरा। इसलिए मैं कभी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, आप शायद आपने महसूस भी किया होगा कि मैं कोशिश करता हूँ हर आदमी के साथ अच्छे तरीके से बात करने की, चाहे मुझे कितनी शक्ति हो, चाहे मुझे दो दिन का खाना ना मिला हो, लेकिन फिर भी जो
मेरे पास आएगा या कुछ होगा, मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे तरीके से बनाने की। 10 घंटे में अगर खाना भी नहीं खाऊंगा तब भी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे तरीके से बात की जाए, किसी को मतलब दुखी ना करें। पहली चीज़ मेरी खत्म हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई आदमी थोड़ा कुछ उठ जाता है या कुछ जिसके पास कुछ पैसा ऐसा आता है तो लोग बातें करने शुरू कर देते हैं। मेरे मुताबिक भी 100 में से 70 आदमी यही कहते हैं कि खा गया जी, पैसा आ गया, ले गया, सब कुछ हो ले गया। तो मैं कोशिश करता रहा अपनी सफाई देने की, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता लगा हो, इसलिए मैं आज ये चाहता हूँ कि ये भी आपके साथ क्लियर कर दूँ। मैं माता के स्टेज पर, माता की कुर्सी पर बैठता इसके आप सबके सामने ये कह रहा हूँ कि 1976 से मैंने ये यात्रा का काम शुरू किया है। इस वक्त तक मैंने कभी एक पैसा माता का अपने लिए खर्च नहीं किया है या अपने काम पर किसी खर्च नहीं किया है। चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत आई, बेटियों की शादी थी और बच्चों की शादी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने कभी माता के पैसे को नहीं छुआ है, न मैंने हाथ लगाया है। ऐसा जो है सेफ में डाला जाता है, चाबी किसी के पास रहती है, सस्ता आती है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद एक फॉर्म भरा जाता है कि कब से कब तक कब पैसा गिना गया, किसकी सालगी ने गिना, कितना पैसा बना, उसके टोटल देखते हैं। और वो कमेटी जो है उस पर दस्तखत करती है, वही कमेटी उस पैसे को जमा करा देती है। मुझे वो फार्म मुझे दिया जाता है, मैं कैश बुक में उसको इंद्राज करता हूँ। मैं ऑफ ड्यूटियाँ दे रहा हूँ इसीलिए कि भी माता का पैसा खर्च ना हो किसी तरीके से। अभी हम गरीब हैं तो काफ़ी पैसा हो जाएगा, फिर बेशक मुलाजिम भी रख लेंगे। तो मतलब आज तक मैंने कोई पैसा नहीं। फिर एक रिवाज है खासकर जम्मू और उधमपुर के लोगों में कि जब गुरु के पास जाओ तो कोई दक्षिणा चढ़ा देते हैं, कोई 500 रुपये चढ़ा देता है, कोई 5,000 चढ़ा देता है, कुछ करते। मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी से कोई वो नहीं लिया है। अगर किसी ने डाल भी दिया वहाँ या धोखे से भी रख दिया, जैसे पिछले साल इधर मोहन सिंह है, इन्हें प्रसाद भेज दिया, मैं घर में नहीं था, उधर रखा, 170 रुपये उसमें निकले, मैंने वो भी रिसीव कर। उसके अलावा कभी मैंने किसी से इलाज करने के, धूप देखने के, किसी को जंतर देने के, औलाद की कारी करने के, ऐसे मतलब बाहरले किसी चीज़ की कारी करने के लिए कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अगर कोई है तो मुझे साबित कर दे, मैं यहाँ माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये भी कोशिश की है कि जो मेरे पास कोई आया है उसका खर्चा ना हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ जी इस चीज़ के लिए वेडू लगा लो, इसके लिए बकरा लगेगा, इसके लिए वो करे। मैंने कभी भी किसी को ये मतलब खर्चा कराने की कोशिश नहीं की है। हाँ, उसकी जगह धागा, जब क्या नाम, जंतर, सतनाजा, धूनी यहाँ से देते रहे जब तक ऊपर मंडल था, और हमारा सतनाजा और सतनाजा 5-5 क्विंटल साल का लगता है। तो वो भी आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद कभी मैंने कोई किसी से कमीशन या कोई कुछ इतना सामान 10 लाख का सामान खरीदा है जी कुछ दे दो, कोई साबित कर दे तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी हूँ। तो ये ख्याल जिन लोगों के दिलों में आ रहा है वो तो मेहरबानी करके इतना सा ही ख्याल रखें कि अगर मैंने पैसा खाया होता तो मेरा मकान भी बहुत बड़ा अच्छा होता, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े अच्छे रैंक पर होते, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती, मैंने कभी अपने काम के लिए कभी माता का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। मुझे रेल यात्रा का साफ 1987 से लेकर 2004 तक मेरे पास रहा,
लेकिन मैं यहाँ आपके सामने कहता हूँ कि मैंने कभी भी उस पैसे में से कोई पैसा खर्च नहीं किया, आपके लिए कोई नहीं दिया। हाँ, उसके अलावा जो कोई चीज़ थी, मेरी एक ही कोशिश थी कि मचेल पहले सामान पूरा हो जाए, उसके बाद जो छोटी हो जाए और यात्रा हो जाए उसको ज़्यादा गति हो। यहाँ मैंने कभी भी कोई चीज़ मचेल की इस्तेमाल नहीं की। एक दफ़ा एक तो प्रेजिडेंट साहब थे, उन्होंने कहा जी यहाँ भी लोग आते हैं, 10 टेंट और 10 मतलब लैटरिन उन्होंने यहाँ रखी, मैंने वो भी वापस भेज दी, साथ में एक जनरेटर भी अपना 5 किमी का उधर भेज दी। तो ना उस पैसे में चाहे मुझे कितनी कमी हो, चाहे मुझे कितना घाटा हुआ हो, मैंने कभी जाली बिल नहीं मारा। ये बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कोई जाली बिल आज तक 15 साल के कभी कोई तरह मुझे घाटा पड़ गया, कुछ हो गया, मैंने कहा माता देने वाली है, किसी तरीके से ले लेंगे, लेकिन मैं कभी आज तक कर सकता। तो मतलब जो भी चीज़ की आप मुक्सर में कहूँगा कि जो भी चीज़ फायदा देने वाली होती है, मैंने कोई फायदा माता की कोई सर लिया। हाँ, माता ने मुझे बहुत बड़ा फायदा दे दिया, इतनी बड़ी इज्जत दे दी, परिवार सुखी दे दिया, सब कुछ। और यही हाल हमारे सारे खानदान का रहा। 36 साल मंदिर हमारा ऊपर मंदिर में रहा, पूरा घर इसमें लगा रहा, मेरे सारा घर इसमें था। हमने कोई किराया आज तक, कोई बिजली का किराया या कुछ भी 36 साल में, मैंने अपने घर में एक दफ्तर रखा है, 35 साल हो गए, मैंने कभी उसका किराया भी नहीं लिया, बिजली का किराया कभी नहीं लिया। मतलब हम तो यही कहते थे कि माता रानी हमें ये तो ठीक दे, फिर भी लोग अल्ज़ाम लगाते रहे तो हम बर्दाश्त करते रहे। हमारे मन में एक, मेरे मन में एक ही चीज़ आती थी, एक अपने आप ही एक बात हुई थी जी मेरे मन में कि माँ अल्ज़ाम लगाने वालों ने अल्ज़ाम लगाए लाख मगर माँ लोगों ने इल्ज़ाम बड़े लगाए, क्योंकि जब भी कोई काम करता है उसको इल्ज़ाम लगते हैं। आप मोदी साहब को देखो क्या क्या कुछ बोलते हैं, तो मुझे भी बड़ा कुछ बोला गया। मैंने कहा कि माँ इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख मगर तेरी सौगात समझ कर हम सीने से लगाए। हम कहते माँ ये भी तेरी एक सौगात है कि तू इल्ज़ाम लगा रहे और तेरे नाम का इल्ज़ाम लग रहा है, मेरा अपना कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा, कोई ऐसी बात नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं। फिर दूसरी बात जो मुझसे निकली थी, जो काम करे उसे चोर कहें, दुनिया की पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है दुनिया, जब भी कोई काम करेगा उसको ज़रूर कहेंगे आ गया चोर है वो है। तो फिर मेरे साथ ने कहा इंसाफ जो काम करे उसे चोर कहें, दुनिया की पुरानी आदत है, इंसाफ करोगे तुम खुद ही, कि माँ इंसाफ तू करेगी क्योंकि तू तो सच को जानती है, इसलिए इंसाफ करोगे तुम खुद ही। ये आस लगाए बैठे और मैं हमेशा ये आस लगा कर बैठा हूँ कि माँ तू खुद ही करे, सच झूठ से तू खुद ही करे। फिर एक और बात में से निकल गई कि जब पता लगेगा सच्चाई, जब उनको पता लग गया कि सच्चाई क्या है, ऐसे तो सब लोग चोरियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब मर जाता है तो सारे तारीफ करते हैं उसकी, आकर वो चोर भी हो तो उस वक्त तो तारीफ करेंगे ना, आकर हाँ जी बड़े अच्छे आदमी थे जी बड़े आने उसका। इसलिए मैंने कहा कि जब पता लगेगा सच्चाई वो खुद ही होंगे शर्मिंदा, खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत थे। तो फिर मिलने के लिए आएंगे कि जी हमसे गलती हो गई है, उनके लिए भी हमारे दिल में कोई वो नहीं है। फिर हम कहते हैं वो मिलने के लिए आएंगे, हम बाहें फैलाए बैठे, हम बाहें फैलाकर बैठे आइए, चले जाइए। फिर जब हम उनके साथ कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, क्या हुआ जो इल्ज़ाम लगाए, लगा लिया इल्ज़ाम, आखिर वो हमारे भाई हैं, आखिर तो हमारे भाई है ना, तो इल्ज़ाम लगा रहे माता के भगत हैं, आखिर वो पता हमारे भाई हैं, खुशी रहे खुशहाल रहे, ये दुआएं फैलाए बैठे, हम यही दुआ उनके लिए करेंगे वो खुश रहे खुशहाल रहे। तो आप
बड़ा कुछ था कहने के लिए। कोशिश की हमने इस मंदिर को मॉडल मंदिर बनाया जाए, कि यहाँ कोई अखंड, यहाँ कोई भेदभाव, कोई ऐसी चीज ना की जाए। इसलिए आम जब मंदिरों में आपको एक शिकायत मिलती है वीआईपी दर्शन, हमने वीआईपी दर्शन बिल्कुल बंद करा दिए। चाहे चीफ मिनिस्टर साहब आए, चाहे डायरेक्टर जनरल आए, चाहे कोई आए, एक ही जिससे एक छोटा वर्ग जाएगा उसी से बड़े से बड़ा आदमी जाएगा, वहां दर्शन करेगा, आगे निकल जाएगा। हमने ऊपर मंदिर के ऊपर जाने की इजाजत किसी को नहीं रखी, क्योंकि कुछ खास होते हैं वो कहते हैं दरवाजा खोलो, जो हमें जाना है तो ऊपर, कोई बेचारे नीचे बैठे रहते हैं। हमने ऐसा किया कि माता के पास ऊपर कोई नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जाऊँगा, मुझे भी इजाजत नहीं, मैं सिर्फ फंक्शन के दिन अगर कोई काम होगा तो उसके लिए जाऊँगा, वो भी हम रहेंगे। फिर एक और चीज जिससे आप लोग नाराज भी हैं, वो सोना चांदी, हमने सोना चांदी यहाँ बंद कर, हालांकि हर जगह ये होता है, लेकिन मैंने देखा है कि अब यहाँ बैठे भी हैं कुछ लोग यही काम करने वाले, लेकिन कुछ धोखे भी होते हैं, फिर कुछ शक को शुभात हो जाते हैं आपस में, कभी कोई चीज नकली निकल गई, मेरा शक पुजारी जी पर होगा, पुजारी जी का शक मुझ पर होगा, मेरा शक किसी और पर होगा, तो हमने इस चीज को दूर कर लिया कि क्यों पैसा इकट्ठा करके बुला किया जाए, वही पैसा आए तो हम खर्च करें, यात्रियों के लिए कोई सहूलत बनाए, कुछ करें, तो वो भी एक हो। बाकी और बड़ी बातें हैं, प्रसाद का भी एक ही रखा है कि पहले इल्जाम लगते रहे कि फर्द करो, अगर एक आदमी आया उसने बर्फी का डब्बा जगा दिया तो 10 आदमियों को बर्फी मिल गई, बेचारा यारवां जब आया तो उसको फुलिया मिल गई, तो वो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुंह देखकर प्रसाद देते हैं। हमने कहा नहीं, अब हम सारा कुछ छोड़ देते हैं, हमने एक ही प्रसाद रखा, चाहे कोई भी है, छोटा पैकेट है, जितना भी है, अमीर आएगा उसको भी वही, गरीब से गरीब आएगा उसको भी वही, क्योंकि सब माता के भाग रखते सब। तो उसके बाद एक थोड़ी सी हमारी मजबूरी है, वो भी आपको जाहिर कर दूं कि किसी हमारे लिए रखना मुश्किल है, इसलिए अगर कोई आते हैं इधर जगह नहीं मिलती तो नाराज हो जाते हैं उसके लिए। तो कहना मुझे बड़ा कुछ था, लेकिन ये शुरू कराना है। अब तीसरा पॉइंट जो बड़ा जरूरी भी है, और ये 2018 का आप सबको पता लग गया है, आप सब जानते हैं कि छड़ी पर हमला हुआ था, यात्रा पर हमला हुआ था, लोगों को बड़ी मार पिटाई हुई, रात के 12 बजे लोग वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, रातों रात मंदिर खाली हो गया, सब ने सुना है, सब ने सुना। अब ऐसा है कि उस बारे में भी अपने सफाई देना चाहता हूं, हम पर एक इल्जाम लगाया गया है कि ये जी छुरे चाकू लेकर आए हुए थे, इनके पास पिस्तौल थे, और इतना भी कहा गया कि ये मंदिर को जलाने के लिए आए और मूर्तियां तोड़ने के लिए। अब आप एक ही बात खुद सोच लो कि जिस मूर्ति की बदौलत, जिस मंदिर की बदौलत मेरी इतनी इज्जत हुई, इतना सारा कुछ हुआ, क्या हम उसको तोड़ सकते? एक अल्जाम लगा लिया, कहा ना अल्जाम लगाने वाला, हमने अल्जाम लगा लिया अल्जाम, हमने छड़ी बंद, इसलिए बंद कर दी क्योंकि माहौल चेंज हो गया था। अब वहाँ नहीं, कुछ लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को कोई घड़पच्ची हो जाए, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। हमने पुलिस के पास भी दे दी, सिट बनी, हाई कोर्ट में भी केस चला गया, लेकिन इंसाफ किसी से नहीं मिला। 4 साल से पुलिस के पास केस पड़ा हुआ है, वो चालान नहीं पेश कर रही है। कोर्ट के पास हमने केस किया, वहां से भी गोलमोल फैसला आया, ना इधर आया ना उधर आया। तो फिर हमने यही सोचा कि चलो अगर इतना कुछ है तो मैंने कहा कि भाई छोड़ दो, ले जाओ ये मंदिर भी ले जाओ, और इसके लिए बोर्ड बनाओ ताकि सब लोगों को सहूलियत मिले सब। तो उस बारे में मैं कोई अपनी सफाई नहीं देना चाहता, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो मैंने आपको लगभग सुनाया, इंसाफ करोगी तुम खुद ही, ये आस लगाए बैठे। तो मैं यहां बैठकर ये कह रहा हूं
कि वो आखिर कितने देर जाए, 2-4 साल के बाद फिर भी ये पता लग जाएगा लोगों को गलती हमारी थी या किसी और की थी। मैं उनको भी कुछ नहीं कहता हूँ, आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई आप सब मेरे लिए माता का रूप है। मेरी माता ने कहा था कि जब मैं कोई लीला रचाती हूँ किसी आदमी के हाथ से उसके साथ कोई जोड़कर लीला रचाती हूँ और फिर मैं जनता रूप बनकर आकर उस लीला को देखती हूँ। तो ये जनता जो है, जनता जनार्दन है, ये माता का रूप है। सिर्फ आपके पास, मैं किसी अदालत के पास नहीं, किसी और के पास नहीं, मतलब किसी के पास भाई नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माता के स्थान पर बैठ करके ना हमारी कोई ऐसी सलाह थी, ना हमारे ऐसे मन में कोई ऐसी बात थी, ना हमारे किसी वर्कर के मन में ऐसी बात थी। हम तो यात्रा लेकर गए थे, वापस आना था। मैंने 2013 में पहले मेरे पास साफ होता था मंदिर का, 2004 में मैंने सारे पैसे वैसे उनके हवाले कर दिए, पैसे मैंने साफ भी उनके हवाले कर दिया। 2013 में मुझे एक साफ उठा के एक पदवी दी गई थी संस्थापक की, कि भाई इस सारे को चलाने वाला ये है। मैंने उस संस्थापक को के पद से भी इस्तीफा दे दिया और कोर्ट में जाकर इस्तीफा दे दिया, बयान भी लिख कर दे दिया कि मैं एज ए सेवादार, एज ए एक सेवक के आऊँगा और मैं कभी कोई उसकी घर पर की जाती। हमारा सिर्फ एक ही काम था कि हम छड़ी यहाँ से ले जाते थे और छड़ी को वापस लाते, बाकी हमारा कोई नहीं था। पैसे के साथ हमारा कोई कुछ नहीं था, हमारा कंट्रोल का कोई कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ से बैठ कर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों ने जो बड़े बड़े अफसर हैं झूठे इल्जाम लगाए, क्योंकि भद्रवाह वाले जो है मचेल मंदिर पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो हमने कैसे करना था 190 किलोमीटर दूर जाकर, हमें यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ क्या कंट्रोल करना था। लगा लिया इल्जाम, लिखते गए चिट्ठियाँ लिखते, हम चुप करके बैठे। आप रोज फेसबुक पढ़ते हो, उसमें कुछ आता है, हमारी तरफ से कोई भी 4 साल में कोई भी बात नहीं आई और ना कोई बात आगे आएगी। तो जब उसका इंसाफ होगा आप सबको खुद पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अभी ये काम शुरू करेंगे तो 2 मिनट के लिए हम सब लोग उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके लिए एक दुआ करेंगे कि माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे। और भी कई हैं जिनके नाम जो भूल गए हैं, उन सब के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कभी आज तक अपने हाथ से प्रसाद उठाकर नहीं खाया, अगर किसी ने दिया तो दिया, मैंने प्रसाद भी अपने हाथ से नहीं उठाया। तो अब आगे इंसाफ आपके हाथ में है, माता रानी के हाथ में, आपके जोर से ताली लगाएं।